आज का पहला सवाल है, महात्मा गांधी जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए असम राज्य में, बी तमिलनाडु राज्य में, सी गुजरात राज्य में या डी उत्तराखंड राज्य में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। अगला सवाल, विश्व में कौन सा देश सबसे अधिक मांसाहारी है? ऑप्शन ए हांगकांग देश, बी भूटान देश, सी लंदन देश या डी अमेरिका देश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हांगकांग देश सबसे अधिक मांसाहारी देश है। अगला सवाल है, सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फिनलैंड देश, बी जापान देश, सी हंगरी देश या डी भारत देश। अभी तक यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जापान देश। अगला सवाल, भारत किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, बी केरल राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में या डी असम राज्य में। और आप लोग के मन में कोई सवाल जवाब हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी असम राज्य में। अगला सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी हरिवंश राय बच्चन, सी महादेवी वर्मा या डी बीरबल साहनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल, डायरेक्ट आंसर आ गया कोई बात नहीं। एक सींग वाला गेड़ा भारत के किस राज्य का राजकीय पशु है? राइट आंसर क्या होगा? असम राज्य का जो है राजकीय पशु है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए 20 दांत, बी 22 दांत, सी 24 दांत या डी 26 दांत। और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 26 दांत। अगला सवाल, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 सितंबर को, बी 14 सितंबर को, सी 16 सितंबर को या डी 18 सितंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 14 सितंबर को। ठीक है, अगला सवाल, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया? ऑप्शन ए रूस देश ने, बी अमेरिका देश ने, सी चीन देश ने या डी जापान देश ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रूस देश ने। अगला सवाल, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन या 15 दिनों तक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12 दिनों तक। अगला सवाल है जिसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, बी मेघालय राज्य में, सी मध्य प्रदेश राज्य में या डी उत्तराखंड राज्य में। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते आप लोग से कि इसका आंसर बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।